हेलो गाइस वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डेली लर्नर सो गाइस अगर आपने इकोनॉमी का सोल्यूशन नहीं देखा है क्वेश्चन नंबर वन का सोल्यूशन सो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया वहां से क्वेश्चन नंबर वन पर देख सकते हैं सोल्यूशन एंड गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कर दे इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे सारे वीडियोज़ के सो so गाइज हमने क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व कर ली है अब हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर टू ए सो so, इसमें दिया है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिवन इलेस्ट्रेशन आपको नीचे क्वेश्चन दिया जाएगा एंड देन आपको उसको एक्सप्लेन करना है एंड उसके जो इलेस्ट्रेशन जो आपको नीचे दिया है उसको अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है आपको सो so, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मारा कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ट्वेंटी फाइव फैमिलीज़ फ्रॉम हर लोकेलेटी सो so, नीचे सो so, मैंने स्लाइसिंग मेथड क्यों लिखा है मैंने स्लाइसिंग मेथड इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो माला है उसने मतलब इंफॉमेसन इंडिविजुअली कलेक्ट किया किसका ट्वेंटी फाइव फैमिलीज का मतलब इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट किया सो उसने स्लाइसिंग मेथड यूज़ किया है सो so, इसलिए मैंने स्लाइसिंग मेथड यहाँ पर लिखा है सो so, अब मैंने स्लाइसिंग मेथड लिखा है तो आपको नीचे स्लाइसिंग मेथड एक्सप्लेन करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट में सो so, यहाँ पे नीचे आपको स्लाइसिंग मेथड एक्सप्लेन करना है सो माइक्रो इकोनॉमिक यूज स्लाइसिंग मेथड इन स्प्लिट ऑल डिवाइस दर्ल्ड इकोनॉमिक इंटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स एंड देन स्टडी ईच यूनिट सेपरेटली इन डिटेल्स सो ये हमने स्लाइसिंग मेथड एक्सप्लेन कर लिया देन नीचे आपको इलेस्ट्रेशन एक्सप्लेन करना है दिस रिलेटेड टू ऑफ स्लाइसिंग माला कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ट्वेंटी फाइव फैमिलीज from हर लोकेलिटी आपको सारे क्वेश्चंस ऐसे ही एक्सप्लेन करने हैं देन नेक्स्ट है हमारा रमेश एनालाइज टोटल इन्वेस्टमेंट टोटल इंप्लायमेंट टोटल कंजन एंड टोटल सेविंग ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम दी फाइनेंशियल ईयर टू एंड ट्वेंटी सो इसका अगर लंपिंग मेथड, सो आपको लंपिंग मैथड एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट में सो लंपिंग मैथड स्टडी ओर फुल इकोनॉमी रेदर देन ईट पार्ट hence the, this illustration related to the concept of lumping method where Mala collect information about the ramesh analyze total investment total employment total consumption total saving of the economy for the financial year 2019 and 20 then third one amara rohan create a jewelry box out of pieces of wood सो so, इसका आएगा फॉर्म यूटिलिटी सो इसका आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है फर्स्ट में व्हेन यूटिलिटी क्रिएट ड्यू टू चेंज इन द शेप और द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग मटेरियल इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी देन दी दिस इलस्ट्रेशन रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म यूटिलिटी वेयर रोहन क्रिएट एड ज्वेलरी बॉक्स आउट ऑफ पीस ऑफ वुड देन नेक्स्ट है हमारा कविता कंज्यूम एन एडिशनल यूनिट ऑफ ब्रेड टू सेटिस्फाई हर हंगर सो so, इसका है मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट में आप लिखना मार्जिनल यूटिलिटी इज अडिशनलिटी डिराइव बाई कंज्यूमर ऑन कंज्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी इन शॉर्ट इट इज द एडिशनल यूनिट डिराइव फ्रॉम हर लास्ट यूनिट कंज्यूमर हैंड दिस इलास्ट्रेशन टू दार्जिनल यूटिलिटी कविता कंज्यूमर एंड एडिशनल यूनिट ऑफ ब्रेड टू सेटिस्फाई हर हंगर सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौशिक परचेज टेन के जी ऑफ वीट फॉर हर हीस मंथली कंजन ऑफ रुपीज़ फोर्टी पर के जी सो स्काय का डिमांड सो डिमांड आपको एक्सप्लेन करें सो डिमांड हमारा क्या होता है डिमांड मींस डिजायर विच इज बैकेड बाई विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे हैंज दिस इलेस्ट्रेशन रिलेटेड दफ़ डिमांड कॉसिंग परचेज टेन के जी ऑफ वीट फॉर हरीज मंथली कंज्यूम ऑफ रुपीज़ फोर्टी के जी डिमांड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमान परचेज स्विंग मशीन एंड फर्नीचर फॉर हीज टेलरिंग शॉप सो इसका आएगा इनडायरेक्ट डिमांड एक्सप्लेनेशन में आप लिखना इनडायरेक्ट डिमांड रेफर्स टू डिमांड फॉर गुड्स विच आर नीड फॉर फर्दर प्रोडक्शन इट इज डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स एंड दिस इलस्ट्रेशन रिलेट टू द ऑफ इनडायरेक्ट डिमांड अमान परचेज स्विंग मशीन एंड फर्नीचर इज टेलरिंग शॉप नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा demand for milk remain unchanged even when its price increases by 10%. It in called perfectly inelastic demand. In the explanation, when percentage change in price has no effect on the quantity demand of commodity, it is called perfectly inelastic demand. And this illustration related to the concept of perfectly inelastic demand. Current demand for milk remains unchanged when

ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कॉमोडिटी डिस कॉल्ड क्रॉस इलासिसिटी एंड दिस इलास्टेशन रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस इलासिस एस कॉफे एंड टी सब्सिट्यूट टू वे वेयर एट एम्बुले कैफे डिमांड फॉर टी इंक्रीज बाई फाइव परसेंट ड्यू टू टेन परसेंट राइज इन द प्राइज ऑफ कॉफी डिस कॉल क्रॉस इलासिसिटी सो हमने दे क्वेश्चन सॉल्व कर ली है बाकी के आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे एंड गेस अगर आपको कोई टॉपिक में डाउट आ रहा है वो चैप्टर समझ में नहीं आ रहा वो पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा उसका मतलब क्या है सो so, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पर्टिकुलर टॉपिक का नाम लिख देना मैं लिए वीडियो बना दूंगी एंड गाइस अगर आपको कोई क्वेश्चन मन में है कि इसका मतलब क्या है इस एग्जाम में क्या आने वाला है कुछ डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं वहाँ से भी आपको रिप्लाई कर दूँगी एंड अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे मैं वहाँ से भी आपको रिप्लाई कर दूँगी एंड के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे सारे वीडियोज़ के